बता दूं कि आज से पहले हमारा जो प्रोग्राम था ये स्टूडियो में किया जा रहा था। हर रोज शाम को 6 बजे हम स्टूडियो से लाइव आते थे और लाइव ही प्रोग्राम टेलीकास्ट होता था। उसके बाद हमने सोचा क्यों ना आज हम कुछ अलग करें और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आज हम यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को शूट कर रहे हैं और हमारे पास जो है 3 अवार्ड हैं। जो बच्चे क्वेश्चंस के आंसर देंगे उनको जो है ये अवार्ड दिया जाएगा। फर्स्ट प्राइज भी है, सेकंड प्राइज भी है, थर्ड प्राइज भी है। मैं बिना वक्त गवाए शुरू करता हूँ। सबसे पहला जो मैं सवाल करने जा रहा हूँ, मैं आपसे उससे पहले बता दूँ कि जो उस सवाल का जवाब देगा, जिसको आता होगा, सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करेगा, उसके बाद जो है वो जवाब देगा। पहला सवाल, कुरान मजीद की वो कौन सी 2 सूरत हैं जो एक साथ नाजिल हुई है? कुरान मजीद की वो कौन सी 2 सूरत हैं जो एक साथ नाजिल हुई हैं? या बिल्कुल सही जवाब, तालियां होनी चाहिए। आपका एक पॉइंट होता है। कुरान मजीद की किस सूरत में जंगे बदर का जिक्र किया गया है? कुरान मजीद की किस सूरत में जंगे बदर का जिक्र किया गया है? 30 सेकंड है आपके पास। 1, 2, 3, 4, 5. I am Sajun Asaf from 9th Yellow and I am studying Green Valley. So the answer of this question is Surah Ahzab. Wrong. एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा क्वेश्चन। कुरान मजीद की किस सूरत में जंगे बदर का जिक्र किया गया है? I'm Urfia Zaira from class 8th Orange and I'm studying Green Valley Educational Institute. The answer to this question is Al Muhammad. No. Wrong. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र हुआ है और वो कौन कौन सी हैं? कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र किया गया है और वो कौन कौन सी हैं? नेक्स्ट, आई एम ग्रीन वैली एंड आई एम इन 8th क्लास। द आंसर इज कुरान मजीद में 5 मस्जिदों का जिक्र किया गया है। मस्जिद नबी, मस्जिद हरम, मस्जिद कुबा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद जर्रार, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से कबीले का जिक्र कुरान मजीद में हुआ है? कुरैश। रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट गर्ल, बनी इस्राइल। राइट आंसर। यस राइट, गुड। शबीर किन का लकब है? 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 सर, इमाम हुसैन। या इमाम हुसैन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हज के लघवी मायने क्या है? हज के लघवी मायने क्या है? आए दीजिएगा। पत्थर। नो। हज के लघवी मायने क्या है? सो पिलग्रिमेज। रॉन्ग आंसर। रॉन्ग।
इबादत करो, खुदा की इबादत करो। जी बिल्कुल राइट आंसर। इसका आंसर दूसरा ये भी है कि किसी ज़ियारत की तरफ जाना, जैसे कि हम लोग जो है यहाँ से हिजरत करते हैं मक्का की तरफ जाते हैं, इसका आंसर ये भी है। और इसका आंसर का अल्लाह की इबादत करना बिल्कुल सही आंसर। चलिए लास्ट सेशन शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले बताऊं कि हमारा जो लाइव जो हम प्रोग्राम करते थे उसका विनर जो होता था उसको हम ये डिजिटल कुरानी पाक जो है हदीये के तौर पर देते थे। इनमें से जो जिसको आंसर नहीं आएगा वो पास ऑन क्वेश्चन किया जाएगा, जिसका जिसके पास वो आंसर पहुंचेगा, जिसको आंसर आएगा उसको जो है ये डिजिटल कुरानी पाक जो है दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है जो दूसरा विनर होगा उसको भी सेम क्वेश्चन पास किया जाएगा, जो जिसके पास क्वेश्चन पहुंचेगा जिसको आंसर आएगा उसको जो है ये कुरान पाक जो है दिया जाएगा। एक क्यूआरएस टीवी की तरफ से जो उसको आज गिफ्ट किया जाएगा। पहला हज किसकी इमामत में हुआ? पहला हज किसकी इमामत में हुआ? पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब। पहले विनर है, क्या नाम है इसका? आपका नाम? मोहम्मद दावर। माइक? मोहम्मद दावर। मोहम्मद दावर वो कौन सी नमाज है जो पढ़ना फर्ज है अगर कजा हो जाए तो वो हराम है? ईद की नमाज। नहीं राम आंसर। सलात और तस्बी। नहीं राम। नमाज तरावी। जो जो जलजले के बाद नमाज आती है। राम। जुमा की नमाज। बिल्कुल जुमा की नमाज राइट आंसर। किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते थे? किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते थे? फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते थे? जिब्रील अलैहिस्सलाम। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम राइट आंसर। मैं आप तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया, और साथ ही साथ मैं स्कूल के तमाम इंतजामिया जितने भी यहां की इंतजामिया है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने हमें टाइम दिया, वक्त दिया और हमें इस प्रोग्राम करने का यहां पर मौका मिला। इंशाल्लाह जिस तरह से आज हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया, और हर शाम 6 बजे जो है हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं, लाइक कमेंट कर सकते हैं और आप वहाँ भी विनर हो सकते हैं। साथ में हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, जो इंस्टाग्राम जो हमारा अकाउंट है वो क्यूआरएस टीवी ऑफिशियल के नाम से है, जहाँ पर हर जोहर की नमाज के बाद एक पोस्टर चढ़ाया जाता है। इस पोस्टर में एक इस्लामिक क्वेश्चन जो है रखा जाता है, जो उस क्वेश्चन का वहीं पर आंसर देता है तो वहां पर भी उसको अवार्ड दिया जाता है, जिस तरह से आज हमने यहाँ पर अवार्ड दिए हैं। फिलहाल के लिए मैं इस प्रोग्राम को यही खत्म करता हूँ, और मैं यहाँ की इंतजामिया खास तौर पर यहाँ पर जिन्हें हमें मौका दिया, फिलहाल के लिए इतना ही।